स्टूडेंट क्लास सेट एक्सरसाइज 2.2 का मैंने पिछली वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 से कराऊंगा। इसमें लिखा है 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी फुल टाइम हिज प्रेजेंट एज। कहता है 15 वर्ष बाद रवि की उम्र उसकी वर्तमान उम्र की 4 गुना हो जाएगी। तो व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है। इसमें बोलता है कि 4 मतलब कि 15 साल बाद रवि की जो वर्तमान उम्र है वह उसकी 4 गुना हो जाएगी। तो इसमें रवि की वर्तमान उम्र क्या है, तो हमें ये नहीं मालूम है वर्तमान उम्र क्या है, ये तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, निकालना मुझे पता चलेगा। देखते हैं सोल्यूशन कल में, तो लिखेंगे रवि प्रेजेंट एज, क्या लिखेंगे रवि प्रेजेंट एज, रवि की वर्तमान उम्र कितना है, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रवि की वर्तमान उम्र हमें मालूम नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स ईयर, क्या लिख सकते हैं एक्स ईयर। आपको फिर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज, तो आफ्टर 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज, 15 वर्ष बाद रवि की उम्र क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 15 ईयर। अब इसमें बोलता है कि 15 वर्ष बाद रवि की उम्र जो है कितने गुना हो जाती है, उसकी वर्तमान आयु 4 गुना। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार रवि प्रेजेंट एज कितने गुना हो गई, 4 गुना हो गई, इक्वल टू 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज। अब रवि की प्रेजेंट एज तो आपको मालूम था एक्स है, अब 4 गुना हो गई तो ये 4x हो गई। अब 15 इयर्स में एक्स प्लस 15 है, अब हम क्या करेंगे ट्रांसपोजिंग एक्स टू, या क्या लिखेंगे ट्रांसपोजिंग एक्स टू LHS, तो क्या हो जाएगा 4x, ये प्लस 15 है इधर, प्लस एक्स है इधर जाएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू 15। 4x में एक्स माइनस हुआ तो क्या आया 3x इक्वल टू 15। अब हम क्या करेंगे ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS, लिख लेंगे ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS, तो हमें क्या मिलेगा 15/3, 3 बन जा 3, 3 × 5 = 15, एक्स इक्वल टू 5 ईयर। तो रवि प्रेजेंट एज क्या मिल गई हमें, रवि प्रेजेंट एज 5 ईयर, क्या मिली रवि प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5 ईयर, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन पहले क्या था, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी फोर टाइम हिज प्रेजेंट एज,
15 वर्ष बाद रवि की उम्र उसकी वर्तमान उम्र से 4 गुना हो जाएगी, यही मेरा क्वेश्चन था। आपको उसकी वर्तमान आयु मतलब रवि की वर्तमान आयु प्राप्त करना था। रवि की वर्तमान आयु मैंने ले लिया x 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, रवि एज 15 वर्ष बाद रवि की उम्र क्या हो जाएगी x प्लस 15 इयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है 4 × रवि प्रेजेंट एज, मतलब इसमें 4 टाइम बोला था इसलिए 4 में प्रेजेंट एज का मल्टीप्लाई कर दे 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज x प्लस 15। x जो था ये किसमें था, पॉजिटिव साइन के साथ था, इसका ट्रांसपोजिंग हुआ LHS में इधर साइड हुआ तो RHS तो माइनस में पहुंच गया, x 4x में x माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3x मुझे मिल गया कि नहीं मिला। अब इसमें क्या हुआ, 3x इक्वल टू 15 था, x इक्वल टू क्या 15 डिवाइड बाई 3 × 3 = 3 × 3 = 15। यहाँ पे भी 3 का RHS को ट्रांसपोजिंग करके इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ गया, x इक्वल टू 5 मिल गया। रवि प्रेजेंट एज x इक्वल टू 5 ईयर्स, ये हमारा क्या हो गया आंसर, मतलब क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 हैज कंप्लीटेड।